नमस्कार दोस्तों, सेफ ग्रीन शॉट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि एलोवेरा जो है उसको ग्रो कैसे करना है, उसके लिए जो मिट्टी और खाद क्या क्या डालना है, तो मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिए और देखिए कि आखिर कैसे क्या करना है। देख सकते हो आप लोग कि जो प्लांट्स जो मैंने लिया है दो, हालात इतना अच्छा नहीं है, तो आप लोगों के पास भी शायद ऐसे ही होगा कुछ प्लांट्स जो हालात इतना अच्छा नहीं है। इस तरीके के जो पौधा है एलोवेरा का, इसके लिए कौन सा खाना क्या डालना है, तो यही मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधा ग्रो करने के लिए हम लोग ले रहे हैं पहले गार्डनिंग सॉइल, बाद में इसमें और भी बहुत कुछ डालना है, आप लोग देखते रहिए बस। और अभी हम लोग ले रहे जो है रिवर सैंड, यानी कि जो रेत होता है रिवर का, वो ले लिया हम लोगों ने। बस एक दो चम्मच यहाँ पर डालने हैं। अभी हम लोग एक चम्मच यहाँ पर बोन मील डाल देते हैं। बोन मील यानी कि जो हड्डी होता है, हड्डी का जो चूरा होता है। दोस्तों बोन मील में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम भारी मात्रा में पाया जाता है, तो और ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर इसके बाद हम लोग ले लेंगे कोकोपीट, यहाँ पर दो चम्मच जैसा कोकोपीट डाल देंगे। कोकोपीट को पौधों में डालने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधों में फंगल की लगने के भी चांस बहुत कम हो जाते हैं, और आपके जो प्लांट्स है वो तेज़ी से ग्रो भी करने लगते हैं। और दोस्तों ये है पेरलाइट, जो कि आपकी जो पोटिंग मिक्स है उसको हल्का रखेंगे। दोस्तों अगर पॉटिंग मिक्स हल्का रहा तो जो प्लांट्स है उसकी रूट्स भी अच्छे से फैलेंगे, जिससे कि आपका प्लांट्स बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। अभी जो है इस सबको एक साथ मिक्स कर लेने हैं अच्छे से। हम लोग इस टब में ही जो है इसको ग्रो करने वाले हैं। इसमें ग्रो करके जो है बाद में हम लोग टॉप को जो है चेंज कर देना है बाद में। दोस्तों टॉप में जो ड्रेनेज हॉल है उसको हम लोग कोकोपीट से जो है बंद कर दिया। पुराने ही बंद हुआ है, इससे भी पानी निकल जाएगा बाहर। आप चाहे तो पत्थर का भी इस्तेमाल कर सकते हो नीचे। और दोस्तों प्लांट को बैठा के थोड़ा इधर उधर दबा देना, ताकि मिट्टी जो है अच्छे से सेट हो जाए नीचे। अगर ढीला रहेंगे तो इसमें रूट्स अच्छे से नहीं निकलेंगे और जो प्लांट्स हैं हमारे वो शायद मर भी सकते हैं। और हमारे जो दूसरे जो नन्हे से जो प्लांट्स है उसको हम लोग ही डिस्पोजल ग्लास में ग्रो करने वाले हैं। सेम प्रोसेस जो है दोस्तों बड़े प्लांट्स के लिए भी सेम ही है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाला। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।